कौन सा क्वेश्चन बोला था 85? हाँ बेटा जी, प्लीज सभी लोग जरा क्वेश्चन नंबर 85 देखो मेरे बेटे। अच्छा पहले ये पढ़ के बताइए इस क्वेश्चन में कि पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट कौन सी लगेगी, फर्स्ट का सेकंड? फर्स्ट। और यहां पर क्या लिखा है मेरे बेटा जी, मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मनोज कौन सी कैपिटल लेकर आएगा मेरे बेटा जी? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे बेटा जी, चारों स्टेप हो गई है मेरे बेटा। ही आल्सो ब्रॉट हिज शेयर गुडविल पीएम 80,000 इन कैश। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों करवाने की कोशिश करी थी वो सुन लीजिए, केवल एक ट्रांजेक्शन की वजह से। और ट्रांजेक्शन थी मेरे बेटा जी सेकेंड, ध्यान से अगर देखें तो आपने रिवेल्युएशन बनाया था क्या, सेकंड ट्रांजेक्शन का कुछ इफेक्ट रिवेल्युएशन में गया था कि नहीं गया था, ये बताओ क्या करेंगे इसका, कोई बच्चा बता सकता है क्या करेंगे कोई बच्चा? अब ये तो बताए आपने रिवेल्युएशन में डाला या नहीं डाला, वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या करेंगे मेरे बेटा? डेटर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है भूमिका बेटा। 10% ऑफ जनरल रिजर्व, ध्यान से पढ़ो सब उसी में लिखा है, बास टू बी ट्रांसफर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जनरल रिजर्व कितना है मेरे बेटा जी आपका? 5,000। और 5,000 का मेरे बेटा जी कितना? 10%। अब ये 10% जो है वो किसमें ट्रांसफर कर देना है मेरे बेटा जी? 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। अब किसमें ट्रांसफर कर देना है? प्रोविजन फॉर, इसमें जो प्रोविजन आपका ये 2,000 है, इसमें 5,000 और बढ़ा देने हैं, बस इधर से निकालने हैं और इधर से डाल देने हैं। अरे हाँ और ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई आपकी असेट्स या लाइबिलिटी अलग नहीं, वो क्या प्रोविजन बढ़ा? कहाँ से बढ़ा? रिजर्व से पैसा निकाल लिया, तो क्या रिवेल्युएशन में जाएगा इसका इफेक्ट? नहीं जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग 40,000। क्या आपको क्लेम दे रखा है मेरे बेटा जी? क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है मेरे बेटा जी? ये तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका ये कहाँ से जाएगा? रिवेल्युएशन से। तो रिवेल्युएशन में डालिए मेरे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कितने? 40,000। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय असेट्स, स्टॉक असेट्स और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ? लॉस हो गया 16,000 का, लॉस हो गया बस 56,000 का लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस फटाफट करिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सभी लोग मेरे बेटा जी प्लीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ मेरे बेटा फटाफट। कितने पार्टनर है मेरे बेटा जी? पहले का नाम, दूसरे का और तीसरे का। स्टेप बढ़ाओ आगे फटाफट फटाफट, बैठने की आवश्यकता नहीं है मेरे बेटा प्लीज। घूम का हो गया क्वेश्चन? हो गया, वो मैं बता दूंगा बेटा। कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो? कर नहीं सकते, रिवॉल्यूशन बन गया तो पार्टनर्स कैपिटल की स्टेप नहीं लिख सकते हो, बैठे हो। प्रोविजन
प्रोविजन में और ऐड करके माइनस कर दो। क्या चीज रिजर्व कोई? हाँ 45,000 बटेगा, सिंपल सी बात है भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर का क्या नाम बताया था मेरे बेटा जी? वीना, मीना, एम, लीना। लो साहब, पहले पार्टनर का लीना, दूसरे का क्या नाम था बेटा? रोहित, और लास्ट वाले का मनोज। लीना, रोहित एंड मनोज। अब स्टेप बोलते चलो फटाफट फटाफट मेरे बेटा जी। पहली स्टेप क्या थी मेरे बेटा, बता सकते हो? बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना लिख दूं बेटा? बोलना पड़ेगा आज मेरे। 1,00,000, 1,60,000 और 1,40,000। आगे बोलो मेरे बेटा जी, क्या लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है? कितना मेरे बेटा जी? तो 45 बांटेंगे, जब 5 निकाल लिए तब भी 50 ही बांटेंगे साहब। फिर कितना बांटेंगे? 45। कितना रेशियो है? 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया? तो आ गया मेरे बेटा जी 27 और 18,000। क्या लाइबिलिटी साइड में और कोई रिजर्व है? क्या असेट साइड में कोई गुडविल है मेरे बेटा? है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हुआ था बेटा? 56,000। हाँ और ना? अरे 56 हुआ था, तो आया 33,000 और कितना आया मेरे बेटा जी? 22,000। लो मेरे बेटा, उसके बाद रिवैल्यूएशन, सॉरी गुडविल लेकर आया बेटा, कितनी लेकर आया है? 80,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा जी? प्रीमियम फॉर न्यू रेशियो। क्वेश्चन में गिवन था कि आपने मेरे बेटा जी निकाला था सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया? निकालो फटाफट, निकालो नालाई को, निकालो, बैठे रहते हैं क्या देखते रहते हो? बैलेंस शीट की स्पेस छोड़कर निकालो फटाफट सैक्रिफाइस रेशियो, जो करना होता है फटाफट किया करो, वेट करते रहते हैं मेरा। कितना आया था इक्वल, और कितनी गुडविल लेकर आया था? 80,000। लो सब, उसके बाद मेरे बेटा जी कैश, कैश तो लेकर आया नहीं है मेरे बेटा, तो तुमने ये पहले डलवा दी, कोई बात नहीं, पहले डलवा दी तो बाई कैश हमें ये बेटा जी नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, फाइंड आउट करनी है मेरा ही बेटा, कहने का मतलब ये है। अगर अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं है? है क्या? नहीं है एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं है। अब क्या करना चाहिए सबसे पहले बताओ मेरे बेटा जी? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल किसकी निकाल लेनी चाहिए मेरे बेटा जी? ओल्ड पार्टनर की। बताओ टोटल, बताओ कितना आया था बेटा जी इसका? एल का 2,00,000, और उसके बाद मेरे बेटा जी लेस कर कितना आया? 33,600, 1,93,000। टू बैलेंस सीडी इसका बताओ बेटा जी? 1,98,000, 1,98,000। कितना आया बेटा? 1,75,600। अब एम की, मनोज की निकालेंगे बेटा जी, तो बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ो और कैपिटल निकालो सभी लोग बेटा जी।
बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ना है। बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़िए मेरे बेटा। करो अपना अपना करो सब लोग फटाफट बेटा जी प्लीज। सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे बेटा जी? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैसे कैसे मेरे बेटा जी? पहले की 1,93,400 और दूसरे की मेरे बेटा जी 1,75,000। ये आ गई कंबाइंड कैपिटल, दोनों की ऐड करके कितनी आई बेटा? 3,69,000। यही है। अब हमें क्या लिखा था क्वेश्चन में पढ़ो बेटा जी, के चार स्टेप में होगा क्वेश्चन के एक स्टेप में होगा? साफ साफ लिखा हुआ है बेटा जी, कहां पर लिखा है? मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब टोटल कैसे निकालेंगे अब वो सुन लीजिए मेरे बेटा जी। अब यहां पर हम क्या लिखते थे मेरे बेटा जी? रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है मेरे बेटा जी? 1/5 टोटल कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 3,69,000 इनटू रेसिप्रोकल कर दीजिए रिमेनिंग का 5/4। और कैपिटल ऑफ किसकी कैपिटल निकालना है? कैपिटल ऑफ मनोज। कैपिटल ऑफ मनोज की जब बात आ गई तो मेरे बेटा जी कितनी मेरे बेटा जी? 3,69,000 5/4 इंटू 1/5 कितना निकला बेटा? 92,200। ये कैपिटल आ गई। बोलो मेरे बेटा जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? ये आ गया मेरे बेटा जी, यहाँ पे लिख दीजिए 92,250। और ये बेटा जी इसका बैलेंस 92,250। हाँ मेरे बेटा जी, बैलेंस शीट मिली नहीं मिली? क्या गड़बड़ी थी? क्लेम नहीं डाला होगा वर्कर्स क्लेम। बैलेंस शीट बनाओ सभी लोग प्लीज, अपनी अपनी बैलेंस शीट बनाइए मेरे बेटा जी प्लीज। सभी बच्चे बैलेंस शीट बनाएंगे मेरे बेटा जी।
सभी लोग बनाए अपनी अपनी बैलेंस शीट बेटा जी, बना रहे हो नहीं बना रहे हो? ऐसा लग रहा है बैठे हुए हो तुम लोग तो। बना ली, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बना ली है। आपकी प्रीति बन गई, वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी गुड। अंजलि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो इधर देखो मेरे बेटे जी, कैश जिसकी बन गई बहुत अच्छी बात। कैश में जरा ध्यान से देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में कितना कैश दे रखा था मेरे बेटा जी, 42,000, और गुडविल के कितने लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल के 80,000, और कैपिटल के कितने लेकर आया था, 92,250। फिगर फिंगर्स पे आ जाती है फिगर, कितना हुआ, कितना 250। लो बेटा जी, उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने थे मेरे बेटा जी, 1,32,000। कितना प्रोविजन माइनस कर दूं बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000। कितना हो गया बेटा जी, 1,25,000। उसके बाद मेरे बेटा जी स्टॉक, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड था मेरे बेटा, मतलब ज्यादा दिखा रहा था स्टॉक, कितना 16,000, तो स्टॉक हो गया 1,30,000 मेरे बेटा जी। अरे हाँ और ना, और लास्ट में क्या था मेरे बेटा जी, प्लांट एंड मशीन, क्या कुछ हुआ था प्लांट एंड मशीन में, प्लांट एंड मशीन कितना मेरे बेटा जी, 1,00,000। लो साहब, उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स संडी क्रेडिटर में तो कुछ हुआ नहीं था मेरे बेटा जी, किसी में कुछ नहीं हुआ बेटा। और दूसरी क्या है बेटा जी, बिल्स पेबल 38,000। नेक्स्ट क्या है बेटा, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आएगा नहीं आएगा, 45,000 बांटा था, 5,000 कहाँ गया हमारा, प्रोविजन में, याद रखना ये इसी प्रोविजन के चक्कर में क्वेश्चन करवाना था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन है ऐसा, कैपिटल लीना का बताना बेटा, 1,94,000, 93,400। दूसरे का 1,75,000, और लास्ट मनोज, मनोज का था, और एक मेरे बेटा जी याद रखना वर्कर्स क्लेम कितना, 40,000। और मेरे बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया तुम्हारा, कितना टोटल आया, 6,19,250, 6,19,250। हो गया साहब, चलो अब ध्यान से सुनो मेरे बेटा जी, करें स्टार्ट थोड़ा सा, करना कुछ नहीं है अब खत्म, आज जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन जल्दी से का मतलब ये भी नहीं कि अभी छोड़ रहा हूं, पहले समझो थोड़ा सा मेरे बेटा जी, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था इसलिए आज क्लास रखी थी। क्वेश्चन तो हो ही गए हैं सारे, उनसे कोई लेना देना इतना नहीं है बेटा। हमने दो एडजस्टमेंट सीखी थी, हमने दो एडजस्टमेंट सीखी, एक हमारी एडजस्टमेंट मतलब बेटा जी मैंने लिखवाई थी केस फर्स्ट के नाम से, और एक एडजस्टमेंट लिखवाई केस। अब आप जरा ध्यान से देखिए, दोनों में मैं अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप अंतर समझें तो रटने से ज्यादा है कि आप समझ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले वाले केस में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आएगा, याद है ना आप लोगों को, मैंने क्या बोला था मेरे बेटा जी, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो गिवन नहीं होगी, और यहां पर मैंने ये बोला था कि न्यू पार्टनर की कैपिटल
गिवन होगी। तो दोनों में अंतर समझो, जब यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी तो हमने टोटल कैपिटल निकालनी होती है एडजस्टमेंट में। टोटल कैपिटल हमने टोटल कैपिटल केस फर्स्ट में भी निकाली थी और टोटल कैपिटल हमने केस सेकंड में भी निकाली है। आपने ये एनालिसिस नहीं करा। जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं थी केस फर्स्ट में तो हमने टोटल कैपिटल किसके अकॉर्डिंग निकाली थी? ओल्ड के अकॉर्डिंग। और जब नए पार्टनर की कैपिटल थी तो हमने किसके अकॉर्डिंग निकाली? न्यू के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे संजय सर ऐसे हमने किया था? हाँ मेरे बेटा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप सुनना चाहते हैं केस फर्स्ट में सबसे पहली स्टेप क्या थी आपकी? कंबाइंड। अब समझ लो ज्यादा अच्छा रहेगा रटने से। और कंबाइंड कैपिटल में हमने लिया था बैलेंस सीडी, मतलब कैपिटल ली थी किसकी? एक्स और वाई, ओल्ड की ली थी अगर याद हो तो। हाँ और ना। और यहां पर भी हमने क्या किया था? हमने यहां पर मेरे बेटा डायरेक्ट कैपिटल निकाल दी थी, टोटल कैपिटल। डायरेक्ट क्यों निकल गई थी? क्योंकि यहां पर बैलेंस सीडी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हमें डायरेक्ट पता चल गई थी क्योंकि गिविन थी इसमें आपको अगर याद हो तो। और इसमें हमें गिविन नहीं थी तो हमने क्या करा था मालूम है? सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मेरे बेटा जी क्या मतलब होता है? सब कुछ करने के बाद का मतलब क्या? जो हमने पार्टनर कैपिटल बनाया था मेरे बेटा जी, देखो ये दिखाना चाह रहा हूं, ये हमें कैपिटल, हमने केस सेकंड में हमें यही कैपिटल हमारी अगर याद हो, नई पार्टनर कैपिटल गिवन होती थी तो यही बैलेंस बीडी होता था और यही सीडी हो गया एक तरह से। तो हमें जब भी टोटल कैपिटल निकालनी है तो हमें बैलेंस सीडी चाहिए होते हैं, चाहे केस फर्स्ट हो और चाहे केस सेकंड हो। हमने क्या करा केस फर्स्ट में? हमने पहले इन दोनों का बैलेंस सीडी निकाला था, निकल आया, निकाल लिया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आप ही से पूछूंगा सारी चीजें आज, मैं आप कुछ ऐसी चीज नहीं बताने वाला। अब इधर आओ, केस सेकंड में टोटल कैपिटल कैसे निकाली थी? हमने ये हटा दिया, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई क्या किया था? रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर, यही किया था ना। तो हमने भी तो इसमें यही किया था। यहां पर हमने देखो कैसे कंबाइंड कैपिटल किसकी निकाली? एक्स और वाई का, मतलब ओल्ड पार्टनर की। फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला था अगर आपको याद हो। रिमेनिंग प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था अगर याद है? वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जब आप ये बताओ टोटल प्रॉफिट वन था, वन में से शेयर हटा ही दिया तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा होगा जो भी है, किसका बचा होगा? ओल्ड का ही बचा होगा। तीन पार्टनर, नए का निकाल दिया, बचा किसका? एक्स और वाई का ही बचा होगा सर। अरे हाँ और ना। यहाँ केस सेकंड में डायरेक्ट मिल गई थी चीजें हमें। डायरेक्ट कैसे मिल गई थी समझ में आ गया? कैपिटल नई पार्टनर की मिल गई, शेयर उसका गिवन होता था, उसका डायरेक्ट निकाल दी। यहाँ पर टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमें दो स्टेप एक्स्ट्रा चलना पड़ा। अब अगर मैं टोटल कैपिटल निकालूं इसकी तो मैंने क्या कही थी बताना? कंबाइंड कैपिटल और रेसिप्रोकल किसका करवाया था? रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग। अब आपको यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए वर्ड यूज क्या कर दिया था? रिमेनिंग प्रॉफिट, जबकि रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब ये किसका प्रॉफिट है? अरे सुन लो मेगा, क्या हो गया क्या? क्या हुआ समझ में आया मेरे बेटा? दोनों में अंतर देखो, यहां पर टोटल कैपिटल निकल आई पहली स्टेप में, यहां पर टोटल कैपिटल निकली तीसरी स्टेप में। अंतर बताओ दोनों में क्या अंतर है? एक में न्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, एक में ओल्ड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। नए की कैपिटल गिवन हो तो नए के अकॉर्डिंग निकाल लो, नए की कैपिटल नहीं है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग निकाल लो। ओल्ड के अकॉर्डिंग निकालने के लिए बैलेंस सीडी किसका चाहिए? एक्स और वाई का। और एक्स और वाई का बैलेंस सीडी कब निकलेगा? जब पार्टनर कैपिटल बन जाएगा। हाँ और ना। तो आपने करा क्या? हम जो लड़ाई लड़ रहे थे मेरे बेटा, वो किसके लिए लड़ रहे थे? ये इसके लिए लड़ रहे थे, टोटल कैपिटल के लिए। दोनों ही केसों में हम किसके लिए लड़ रहे थे मेरे बेटा? टोटल कैपिटल। इसमें पहली स्टेप में निकल आई, इसमें यहां निकली। कोई डाउट यहां पर? अब यहां पर टोटल कैपिटल निकलने के बाद बड़ा इसमें इजीली इजी कर दिया कि कैपिटल हमने किसकी निकाली? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल कैपिटल जो आपकी गिवन थी, टोटल कैपिटल में मल्टीप्लाई कर दिया किसका? शेयर ऑफ
न्यू पार्टनर, टोटल कैपिटल हमारी कौन सी थी, ये वाली टोटल कैपिटल है साहब, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये टोटल कैपिटल और इसमें नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर जो कैपिटल निकाली, अभी आपने क्वेश्चन किया था मनोज की कैपिटल कितनी निकाली थी, 92,250 निकाल के रख दी। अरे हाँ और ना, तो इसमें जो हमने केस फर्स्ट में जो कैपिटल एडजस्ट करी थी वो एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग करी थी, ओल्ड के अकॉर्डिंग, और यहां पर हम जो कैपिटल केस सेकंड में एडजस्ट कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, न्यू के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हमने टोटल कैपिटल निकालने के बाद हमने क्या करा था, एक सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड में बांट दिया था, और किस रेशियो में बांट दिया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बांटने के बाद ये बैलेंस शीट ही निकल आए थे आपके, निकले थे नहीं निकले थे, अरे हाँ ना निकले थे, और निकलने के बाद फिर आपने क्या करा था, ये बैलेंस शीट ही कहाँ रखे थे बेटे, कहाँ रखे थे बताओ फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल पे कहाँ रखे थे बेटा जी, बैलेंस शीट ही यहाँ रख दिए थे सब, ये यहाँ पर, ये एक्स का, ये वाई का, जेड का तो इक्वल आता ही आता था, और रखने के बाद पुट करने के बाद फिर दोनों साइड इक्वल कर ली थी, बस इक्वल किस किस से करी थी आपने, कैश और करंट अकाउंट से। कैसे अगर आपने इक्वल करी तो कैश बेटा जी इधर का जैसे होता था बाई कैश प्लस, बाई प्रीमियम प्लस और टू कैश माइनस, लेकिन अगर आपने बेटा जी करंट अकाउंट से एडजस्ट करा तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाता, अलग से कैश में ऐड नहीं होगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई नई चीज पढ़ाई गई है, आपके सामने मैंने दोनों एडजस्टमेंट रखी है, इसीलिए बच्चे एडजस्टमेंट करने में लगे रहते हैं जी, दो केस हैं ऐसे ऐसे पता नहीं क्या, अरे कुछ नहीं है यार, टोटल कैपिटल निकालना है, दोनों केसों में टोटल कैपिटल बेस लेके चलना है, जब नए की कैपिटल गिविन नहीं है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ओल्ड के लिए निकालने के लिए पहले हमें ओल्ड की कैपिटल निकालनी पड़ेगी अलग, एक्स की अलग, वाई की अलग, और उनको ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका नाम दिया हमने कंबाइंड कैपिटल। फिर हमने ओल्ड का शेयर निकालना है तो ओल्ड का शेयर निकालने के लिए क्या करा, हमने नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया था वन में से जब शेयर माइनस कर दिया नए का तो ओल्ड का ही बच गया, जब ओल्ड की कैपिटल निकल आई, ओल्ड का शेयर निकल आया, इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दो, सी शेयर से निकल आया टोटल कैपिटल। हाँ बेटी गलत कह रहा हूं मैं, देखा दोनों में अंतर, हाँ और ना। तो आपको डिफरेंस से आपके सामने रखने का मतलब ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए, केवल मैंने पिछली चार क्लासों में केवल ये दो पार्ट सिखाए हैं बस जो आपके सामने है, और कुछ नहीं करा मैंने। जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं थी केस फर्स्ट, तो उसमें तो बस कैपिटल जो निकल कर आई थी पुट कर दो और क्वेश्चन पुराना वाला स्टार्ट। यहाँ पर जब कैपिटल आपको नए पार्टनर की कैपिटल थी तो और एडजस्ट करने को लिए कहा जाए तो जो बैलेंस निकले थे पुट कर दो और दोनों साइड इक्वल करनी है बस, सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट या तो कैश में या करेंट में, कुछ भी ना लिखा हो तो कैश में, अदरवाइज करेंट में। ये था मेरे बेटा, और इस पूरे चैप्टर में आपको एक बात और बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझो तो, मेरी तरफ से चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से निकाला है मैंने, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे चैप्टर में अगर आपने एनालिसिस करा हो तो क्या एनालिसिस करा हुआ आपने, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्या एनालिसिस करा, सैक्रिफाई रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको सैक्रिफाई रेशियो अगर आता है, सैक्रिफाई रेशियो आने के बाद ही आप मेरे बेटा जी गुडविल कर सकते, गुडविल की ट्रीटमेंट होता क्या, 12th का बच्चा है ना, समझदार है, मैच्योर नहीं है, अपने को सबसे ज्यादा, क्योंकि ये स्टेज ऐसी है यार, और इससे स्टेज से आप नहीं, मैं भी आपकी स्टेज पर आऊं तब मैं ये समझता था मेरे से ज्यादा होशियार ही नहीं है कोई, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, लेकिन नहीं यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा कि आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हो, पढ़ने वाले फील्ड में, एक तो होता है डिग्री केवल हम इसलिए ले रहे हैं जी मैंने दुकान में बैठना है जी, बीकॉम कर लूंगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, और किसी ने प्रोफेशन ही बनाना है या मेरे को पढ़ के ही अर्निंग करनी है, जो जॉब वाले होते हैं वो कैसे अर्निंग करते हैं, पढ़कर ही जॉब करना है, तो उसके लिए बता दे रहा हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं जो बिजनेस भी सोच रखा है ना, तो पढ़ के बिजनेस करो तो ज्यादा अच्छा करोगे, तो ज्यादा अच्छा आप कर पाओगे,
आप ट्वेल्थ करो, ट्वेल्थ के बाद बीबीए करो, बीबीए के बाद एमबीए करो, मैनेजमेंट में निकल जाओ, बिजनेस मैनेज करना सीख जाओगे मेरे अकॉर्डिंग। एक एजुकेटेड बिजनेस कर रहा है, एक अनएजुकेटेड कर रहा है। पापा ने बेचारे ने जो करा वो अनएजुकेटेड तरीके से करा है। आप एजुकेटेड तरीके से करोगे तो बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकते हो, और नहीं तो बिजनेस जैसा चल रहा था वैसे ही नीचे और हो जाएगा, बता दे रहा। तो इसलिए है ना, थोड़ा एनालिसिस करो पढ़ाई से कि अगर जैसे ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है तो था क्या इसमें, डिस्टर्बेंस कहाँ आ रही थी। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आई थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रीफाइस, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रीफाइस पे ही डिपेंड क्या था मेरे बेटा जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फिर क्या था रिवैल्यूएशन, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल में तो शायद कोई प्रॉब्लम थी नहीं, स्टेप थी, फिंगर्स पे थी सारी स्टेप, फिंगर्स पे थी सारी स्टेप, सात स्टेप प्लस एक्स्ट्रा उनके लिए मैंने एक बाय एक आधा एक एक करके सिखाया है सब कुछ। अब आप ये देख लो इस चैप्टर में क्या था और क्या नहीं था। अभी इसमें जनरल एंट्री रह गई है, अभी नहीं करवाई, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में जो यूनिट पेपर होगा ना इसमें पूछा ही नहीं जाएगा कुछ भी, मैंने भी इसीलिए छोड़ा। नेक्स्ट टाइम जब रिपीट, पहले एक एक करके करूंगा ना, पहले आपका बेस बना रहा हूं। जब हम दूसरी बार जब ये करेंगे तो आज 17 क्लास है, 17 या 18 क्लास है इसकी एडमिशन की, क्या आप समझ रहे हो कि सेकंड टाइम में 17 और 18 क्लास लगेंगी इसकी, जब नहीं लगेंगी, जब 12-13 फिर वहां पे वो जब दोबारा चीज क्लियर होंगी ना तो वहां जनरल एंट्री आपको आती है। मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिखाई थी, डस्टिंग करनी है मेरे को, 10 मिनट बोलना है, उस 10 मिनट के लिए बोलने के लिए मैंने 2-3 महीने इंतजार करना है, अब ये समझ लो। क्योंकि आपको कहते ना मैच्योरिटी धीरे 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 फिलअप होगी, धीरे 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 होगी, पहले एक बार सिलेबस निकालते हैं गो थ्रू धीरे धीरे धीरे, फिर दोबारा रिदम से निकालेंगे, और थर्ड टाइम कहते ना फिनिशिंग होगी बस मकान की आपकी, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको। और आप है ना थोड़ा सा सोचो कि आपने इस चैप्टर में कितनी परफॉर्मेंस दी है। सभी को अपना लेवल मालूम है कि मैंने इस चैप्टर में क्या करा है, कहां पर गलतियां हुई हैं, और मैंने वीक पॉइंट बता दिए हैं क्या, वीक पॉइंट्स न्यू रेशियो सैक्रीफाइस, गुडविल, गुडविल सैक्रीफाइस रेशियो की वजह से होती है, और रिवैल्यूएशन। बस उसके बाद कुछ है ही नहीं, फिर तो फिंगर्स पे खेल चल रहा था कि सात स्टेप है इसमें ये लिखना है, जिसमें 4 बैलेंस शीट में मिलेंगी, एक रिवैल्यूएशन की है, 2 स्टेप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर है, और 1 स्टेप गुडविल है, बस एडिशनल सिंपल सा काम है भाई। बच्चा फंसा रहता है सैक्रीफाइस रेशियो में, क्या करूं यार अब क्या करूं, निकलना ही नहीं आ रहा, न्यू रेशियो ही नहीं निकल रहा, क्वेश्चन आगे बढ़े कैसे अब। तो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से अब इसको रिपीट करो एक बार, रिवीजन करो, और अगर किसी को मेरी साइड से कहना है कि जी रिवीजन करवा दो, तो 10-15 दिन बाद एक बैच बता दूंगा मैं, उसमें रिवीजन कर लेना, और नहीं तो आपके पास सारी क्लासेस है, रिकॉर्डिंग है, आराम से आप जब चाहो जो चीज आती है उस क्लास को मत सुनो, जो नहीं आता उसको सुनो, और एक बार गो थ्रू करो इस चैप्टर को, तरीका बता रहा हूं मैं आपको पढ़ने का, तब आपको लगेगा अरे कुछ नहीं था इसमें। और जो अभी नहीं करेंगे ना एक बार कुछ दिनों में ही रिवीजन, तो ये चैप्टर फिर है ना बर्डन होते चले जाएंगे, ये कहता फाइल होती चली जाएंगी, फाइल उन पर धूल जमती चली जाएगी, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गया, फिर एडमिशन गया, फिर रिटायरमेंट आ जाएगा मंडे से, और रिटायरमेंट केवल कितने दिन का 4 और 3 8 क्लास का, ज्यादा आधा है इसका, आधा है बेस यही है, रिवैल्यूएशन उसमें भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल उसमें भी बनेगा, उसमें सैक्रीफाइस रेशियो की जगह क्या यूज होगा, गेनिंग से रिवर्स होना है यार, एडमिशन में पार्टनर आ रहा था, रिटायरमेंट में जा रहा है, एडमिशन में पैसे लेकर आता था, रिटायरमेंट में लेके जाएगा, वह उल्टा होना है। अब पहले सीधा करोगे जब तो उल्टा होगा, हाँ। तो अच्छी तरह से एक बार कर लो, फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्लियर है। तो आज मैं अब बस यही क्लास छोड़ूंगा, मंडे को हम लोग रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर पढ़ेंगे, और आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना है, ठीक है ना। आज मैं चाहता शुरू कर सकता था, आज मेरी भी इच्छा नहीं और ना आपकी, और फ्री होते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।